हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रोडक्टिविटी और एडिटिंग पीसी के बारे में, बहुत ही ज़बरदस्त कंपोनेंट के साथ। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर सुभाष भैया के पास, तो यहाँ पर बात करते हैं और समझते हैं क्या क्या कंपोनेंट है और कितने का पड़ा। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। तो सर जी, ये जो पीसी है ये किस लिए किस काम में आएगा मेनली? भैया, ये जो पूरा पीसी है ना, ये हमने यहाँ पे जो डिजाइन किया है, यहाँ पे जो इसका स्पेक्स यहाँ पे रखा है, ये बेसिकली होने वाला यहाँ पे अलग वीडियो एडिटिंग के हिसाब से। जो लोग यहाँ पे बहुत ही हाई यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करते हैं, चाहे वो यहाँ पे शादी और पार्टी की जैसे वीडियो एडिटिंग बनाते होंगे, चाहे वो करते होंगे लाइक जो प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं ना, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा ना क्वालिटी वहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इशू आता है। तो उसको हमने यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे पीसी यहाँ पे डिजाइन किया है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे इस हिसाब से कंप्यूटर लगाया है ना कि इसके अंदर आराम से वो 4K लेवल की एडिटिंग भी ना बड़े प्यार से कर सकते हैं, और रेंटिंग में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। ठीक है, एक बार शॉप के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल भैया, हमारा शॉप यहाँ पे लोकेट करता है, यहाँ पे जनकपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर आप लोकेट करते हैं, और जो स्टोर का नाम है यहाँ पे श्रीचंद कंप्यूटर एंड लैपटॉप स्टोर होने वाला है। आप यहाँ पे अलग नियर बाय रहते तो भी आ सकते हैं, अगर आप यहाँ पे दिल्ली एनसीआर से बाहर रहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, हम लोग यहाँ से पैन इंडिया डिलीवरी यहाँ पे करवा देते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो बात करते हैं इस पीसी के बारे में, कितने का पीसी होने वाला टोटल? भैया देखो, जो इस पीसी का जो आपका टोटल कॉस्ट है यहाँ पे, हमने यहाँ पे रखा 1,70,000 इंक्लूसिव ऑल जीएसटी के अंदर में। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। 1,70,000 में मैं आपको यहाँ पे i9 लगा के दे रहा हूँ, वो भी सबसे लेटेस्ट जनरेशन 13900K 13900K आपको लगा के दे रहा हूँ, प्लस में यहाँ पे ग्राफिक कार्ड भी उसी लेवल का दे रहा हूँ, कहीं से किसी चीज में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मैंने। ठीक है, तो अब एक एक करके सभी कंपोनेंट के बारे में बता दीजिए। तो सबसे पहले बात करें भैया यहाँ पे इस आपके प्रोसेसर के बारे में, सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर आपका आज के टाइम में यही है आपका इंटेल का i9 13900K। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ इस प्रोसेसर के बारे में ना, तो आज के टाइम में जितने भी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीसी बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में ना, तो आपका इसी के साथ में हो रहे हैं, क्योंकि इससे ऊपर आपका लाइक कोई ऐसा प्रोसेसर है नहीं जो आपको इस लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के दे दे, खासकर यहाँ पे एडिटिंग के अंदर में, वीडियो एडिटिंग के अंदर में। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। तो i9 13 आपको जनरेशन हो गया प्रोसेसर, इसकी कॉस्टिंग हमने यहाँ पे रखी हुई यहाँ पे 53,500 इंक्लूसिव ऑल जीएसटी में आपको ये दे रहा हूँ। देन इसके बाद चलते हमारे अगले कंप्यूटर की तरफ, जो कि इसका आपका मदरबोर्ड। जब भी आप पीसी बिल्ड करते हो, खासकर वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर आप गेमिंग के लिए भी ना, तो आपको एक बात का खास यहाँ पे ध्यान रखना होता है, लाइक जो मदरबोर्ड है ऐसा होना चाहिए जो पूरा फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे जितने भी एडवांस फीचर है ना आपको वो उस बोर्ड में मिलने चाहिए। तो फिर बात करते हैं इस मदरबोर्ड के बारे में, यहाँ पे Z790 UDX, जो कि आपके यहाँ पे गीगाबाइट का सामान, इनका यहाँ पर DDR5 रैम सपोर्ट साथ में आता है, आपके PCIe 5.0 इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस मदरबोर्ड की, तो भैया इसके अंदर आपको यहाँ पे ना 4 रैम का स्लॉट देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको PCIe 5.0 मिल जाता है, Wi-Fi 6E जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट वाईफाई है, साथ में आपको ब्लूटूथ मिलता है 5.3 वर्जन इनका, जो कि लेटेस्ट है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे सभी तरह के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो आपका टाइप सी हो, चाहे हो यहाँ पे आपका HDMI, चाहे हो यहाँ पे DP। तो मैंने जैसे बताया आपको यहाँ पे अपने को ऐसा लगाना होता बोर्ड जिसको हम आगे फीचर अपग्रेड कर सकते हैं, और इसके ऊपर आपको यहाँ पे लाइक SSD के ऊपर भी ना हीटसिंक देखने को मिल जाती है, और आपका फुल 8X मदरबोर्ड होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल भैया, और अब जो हमारा अगला कंपोनेंट है, मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोसेसर लगाया सबसे टॉप एंड, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लाइक अपने को 360 यहाँ पे लगाना बनता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मैंने यहाँ पे 240 लगाया, बट हाँ अगर किसी यहाँ पे बहुत ही हाई एंड चाहिए, ग्राफिक कार्ड और भी हैवी लगाना है, और भी इसे हैवी परफॉर्मेंस चाहिए, तो हम उसके साथ में यहाँ पे 360 लगा सकते हैं। बट यहाँ जो हमने यूज किया यहाँ पे, क्योंकि आपका LS520 जो इनकी डीप कूल की नई सीरीज है, और इसकी फैन की स्पीड होती है 3100 RPM, जो कि बहुत ही सफिशियंट है आपके इस प्रोसेसर के हिसाब से। अगर आपको i7 लगाना हो या फिर लगाना हो आपका i9 यहाँ पे या फिर आपको AMD में लगाना हो, तो उस सभी के लिए आपका यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, और साथ ही इसमें आपको यहाँ पे LG 1700 का सॉकेट देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आप इसको इंटेल को नए जनरेशन के साथ में इजिली यहाँ पे फिट कर सकते हो इस मदरबोर्ड के अंदर में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बाकी ये जो आपका जो कूलर है आपका, ये ARGB आता है, लाइक ARGB मीन्स क्या कि ये आपके फैन के साथ में सिंक हो जाता है, लाइक आपको ब्लू थीम बनाना है, आपको ब्लैक बनाना है, वो तो सेकेंडरी मैटर है, मेन अपने की चीज परफॉर्मेंस वो आपको ये निकाल के दे देगा। और इसकी कॉस्टिंग जो है ना भैया आज के टाइम में 240 mm आप नॉर्मली आपने देखा होगा यहाँ पे 6,000 रुपए के आसपास आते हैं, बट इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसकी कॉस्टिंग आती है यहाँ पे आपको 7,500 रुपए की आती है, बट परफॉर्मेंस भी उसके लेवल की निकाल के देता है आपको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया।
अब हमारे चलते में जो अगला कंपोनेंट है ना हमारा, वो है हमारा इसके अंदर में ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करने के बाद ना। देखो ग्राफिक कार्ड में जैसे आपको बताया था यहाँ पे, आज के टाइम में क्या हुआ ना कि अभी बहुत से लोगों की डिमांड अभी भी आ रही है कि भैया मेरे 3070 Ti दे दो या 3070 दे दो ना। तो उन लोगों के लिए मैं खासकर बोलना चाहूंगा यहाँ पे, आप अभी उस ग्राफिक कार्ड को यहाँ पे अवॉइड कर दो, क्योंकि ना ऑलमोस्ट उसी प्राइस में आपको यहाँ पे आज के टाइम में 4070 देखने को मिल जाता है। सबसे लोएस्ट अगर बात करें यहाँ पे प्राइसिंग के अंदर में आपको Ino3 देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, अगर चलता है एक अच्छे ब्रांड की तरफ और आपको 3 फैन वाले अगर बताऊँ वेरियंट में ना, तो गीगावाट की तरफ आने वाला इनका आपका विनफोर्स OC 12GB का ग्राफिक कार्ड 4070 3 फैन के साथ में आपको देखने को मिलता भी है ये। और इसकी प्राइसिंग बहुत ही बेहतरीन आज टाइम में 58,000 में, सोचो आपको यहाँ पे 3 फैन का 4070 दे रहे हैं यहाँ पे आपका, बहुत ही जबरदस्त। कभी 3060 मिलता था इतने में। बिल्कुल बिल्कुल, 3060 वो तो एक टाइम था ना, वो तो पूरा माइनिंग का टाइम था, तो उस टाइम को छोड़ता। अभी चलते हैं इसका जो VRAM आपका ना, ये आपका 12GB है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी चीज है। अगर आपका 4K लेवल एडिटिंग करना आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर में। बाकी अगला कंपोनेंट हमारा आता है स्टोरेज। जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे स्टोरेज अपने को रखनी थी फास्ट, तो ये हमने यहाँ पे लगाई है ADATA की तरफ से आने वाली इनकी 960 Legend 1TB, जिसकी रीड स्पीड होती है यहाँ पे 7400 MHz/s और राइड होती है यहाँ पे 6800 MHz/s। तो आप इसका यूज कर सकते हो अपने बिल्ड के अंदर में, और इसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी भी है। आप जनरली देखा हो आपने यहाँ पे लाइक आपको 1TB Gen 3 के जैसे आज के टाइम मिलते हैं आपको 5 से 6 हजार के बीच में, बट ये आपको 7,000 में ना आपको Gen 4 मिली है, समझो जो 7400 MHz/s वाली, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक जिनको यहाँ पे लाइक ब्रांड प्रेफरेंस होती है, तो उनके लिए बता दूं आपको WD भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मिल जाएगा आपको 9,000 रुपए मिल जाएगी। किसी को यहाँ पे लगानी है सैमसंग वाली, वो मिल जाएगी 9,500 रुपए की। तो डिपेंड करता है भैया आपको कौन सा लगाना है, हमने यहाँ पे लगाई है 960 Legend, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, 5 साल वारंटी देते हैं आपको ADATA की तरफ से, तो आप इसको लगा सकते हो। जो हमारा अगला कंपोनेंट है भैया, वो हमारा रैम है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने यहाँ पे रैम भी पेयर किया ना आपका, तो इस बिल्ड के हिसाब से कम यहाँ पे 32GB तो बनता ही बनता है। तो 32GB हमने यहाँ पे लगाई है आपकी, ये XPG की तरफ से आने वाली है इनकी लेंसर सीरीज की 6000 MHz की रैम भी है। 6000 MHz, बिल्कुल 6000 MHz की रैम हमने लगाई यहाँ पे। और 6000 MHz की रैम की जो प्राइसिंग है ना आप आज के टाइम में भी आपको ये सिंगल रैम जो है 6000 MHz की मिलती है आपको 5500 रुपीज की सिंगल मिलती है, तो दो का कॉस्ट होगा कितना यहाँ पे आपका 11,000 रुपीज में। हमने आपको ये लगा दिया आपको 32GB का रैम सपोर्ट 6000 MHz, आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस निकाल देगा इस बिल्ड के साथ में, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। बाकी चलते हैं हमारे एक और यहाँ पे मेन कंपोनेंट हमारे ये पीसी के अंदर होता है पावर सप्लाई। देखो देखो लगाने के लिए यहाँ पे सप्लाई 4070 के साथ में आराम से लाइक आप 750 लगाओ, किसी भी ब्रांड का कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊँ ब्रांड कोई भी यहाँ पे खराब नहीं होता, बट उनकी जो आफ्टर सेल सपोर्ट होती है उस पर डिपेंड करता है। अब देखो गीगावाइट का एक जो है आपका एक बार ऐसा आया था कि लोग कहते थे पावर सप्लाई बहुत ही वैसे खराब है ये हुआ है, बट वो एक सीरीज आई थी बस उनकी वहां पे, उसके बाद कंपनी ने उस सप्लाई को वापस लिया। और ये तो यहाँ पे हमने लगाया यहाँ पे ऑरस वाले सीरीज, ठीक है, और ऑरस की प्राइसिंग भी आज के टाइम बताऊं आपको मैं ना, तो 7400 रुपए में आपको यहाँ मिल जाते हैं ऑरस का 750W, 10 साल की वारंटी है, फुल्ली मॉड्यूलर 100% आपको ये जापानीज कैपेसिटर के साथ में आता है, स्मार्ट फैन है और भी बहुत सारे इसमें आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में, आप वहां जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस बिल्ड के हिसाब से सफिशिएंट है, आप इसमें इससे ऊपर का ग्राफिक कार्ड लगाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। बाकी अगर आपको भी ऐसा पीसी बिल्ड करवाना हुआ, अगर आप लोकेट करते हो दिल्ली NCR के अंदर में, लाइक अगर आप रहते हैं गुड़गांव द्वारका नोएडा अगर इन सब एरिया में रहते हैं, तो आप हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हो, आपको भी मैं इस तरह का पीसी बिल्ड करवा के आपको दे दूंगा, ठीक। बाकी हाँ, अगर जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे प्रॉपर शिपिंग होता है आपके यहाँ पे इंश्योरेंस के साथ में, तो कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर GST के इनवॉइस के साथ में मिलता है आपको सर जी, ठीक है। कैबिनेट के बारे में बता दीजिए। हाँ, और बात करते हैं हमारा एक यहाँ पे कंपोनेंट रह गया हमारा, ये है आपका कैबिनेट। देखो कैबिनेट कैसा है ना, हमने यहाँ पे जस्ट ये इसलिए लगाया कि चलो ठीक है इस बिल के हिसाब से सफिशियंट रहेगा, बाकी अगर आपको चेंज करना आप चेंज कर सकते हो। ये आपका गैलेक्सी का Revolution 1 इस बिल के साथ, क्योंकि 240mm का यहाँ पे हमने AI लगाया तो ये इजीली इसमें फिट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया 240mm का। बाकी किसी को अगर 360 जना 360 के अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, बट उस केस में आपको यहाँ पे आप DF600 लगा लगा लो, TD500 लगा लो जो आपको कूलर मास्टर का आती है, और उसके साथ में आप ये यहाँ पे लिक्विड कूलर पेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर में ये, बाकी इस बिल्ड के हिसाब से सफिशियंट हमने ये लगाया यहाँ पे। बाकी कैबिनेट है गैलेक्सी Revolution 01
4400 की प्राइसिंग है, चार फैन आते हैं इसमें आपको, 8GB के साथ में मिलता है, आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी बिल की टोटल कॉस्ट बताऊं आपको यहाँ पे 170,000 में आपको ये बिल बना दे दूंगा। बाकी कोई यहाँ शिपिंग करवाते हैं आप पे 1000 से 1200 रुपए पड़ता है आपको शिपिंग का कॉस्ट, जो कि आपका विद इंश्योरेंस, जो कि आपको जाता है यहाँ पे बिल्कुल इंश्योरेंस के साथ में, और विद इन 2 और 3 डेज आपको यहाँ पे रिसीव होता है आपका पार्सल यहाँ पे प्रॉपर पैकेजिंग के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर सभी कंपनियों के बारे में बात कर लिया, आप यहाँ पर आ भी सकते हैं जनकपुर न्यू दिल्ली में, और अगर आप नहीं आना चाहते तो घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोडक्टिविटी पीसी है काफ़ी अच्छे बजट में। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।